गॉस के नियम के अनुप्रयोग। एक नंबर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट व्यस्त क्षेत्र की तीव्रता, यानी यदि कोई आवेश Q लंबाई, आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एम। इसका मतलब होता है क्यू आवेश होता है, आवेश को कूलाम से नापते हैं, एल हमारी लंबाई यानी मीटर में नापते हैं, तो क्या होता है कूलाम प्रति मीटर। तो देखिए, इसमें एक आपकी क्षण है, इस पर दोनों पे आपका आवेश धनात्मक है। जो हमारा वेक्टर क्षेत्रफल दिया है वो dA वेक्टर दिया है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर वाली E वेक्टर है आपकी, और ये आपका गॉसियन पृष्ठ रहा, ये आपकी P बिंदु पर यानी dA जो है आपका वेक्टर क्षेत्रफल है, और ये लंबाई आपकी क्या दी है, L दी हुई है। तो इसमें क्या है, यानी माना माना पी बिंदु पर, पी बिंदु से गुजरने, पी बिंदु से गुजरने वाली एल लंबाई, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी बिंदु से एल लंबाई से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अवयव क्षेत्रफल dA है, और अवयव क्षेत्रफल dA है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर तीव्रता E वेक्टर है, तब तब क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर हमारा सूत्र होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई वेक्टर इंटू क्षेत्रफल एरिया यानी ए वेक्टर है। तो ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर ई डी वो ई ए कॉस थीटा, यानी जब हमारा ये अभिलंब पर होगा तो हमारा ये कॉस जीरो अंश होगा, तो ये बनेगा जाके ई ए, यानी क्योंकि कॉस थीटा जो है आपका कॉस थीटा, कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, तो हमारा रहेगा ई डी ए, ई डी ए, तो यहां पर बचेगा हमारा ई डी ए। तो यानी ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, जब वेक्टर क्षेत्रफल है तो इसको हम किसने अवयव क्षेत्रफल में ले जाएंगे डी ए कॉस थीटा,
जब हमारा अभिलंब होगा तो ये क्या है, कॉस जीरो अंश होगा, कॉस जीरो अंश का मान एक होता है तो हमारा बचेगा ई डी ए। अब क्या है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लैक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए, ये आपको कल हमने जो है गॉस का नियम जब लिखाया था तो आपका सूत्र लिखाया था फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। अब देखिए इसमें क्या है, ई इंटू डी ए, अब आपको ई का तो कोई वो समाकलन होगा नहीं, तो आपको इंटीग्रेशन ए ई बाहर निकाल लो, केवल डी ए का होगा। अब डी ए आप जानते हो डी ए बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर टू पाई आर एल, ये आपका इसका यानी समाकलन करेंगे तो हमारा सूत्र होता है टू पाई आर एल डी ए बराबर, तो यानी टू पाई आर एल, तो ये पाई ई बराबर बन जाएगा, पाई ई बराबर बन जाएगा, ई की जगह हमें ई ए रखना है और इंटीग्रेशन ए डी ए की जगह टू पाई आर एल। इसको समीकरण नंबर एक ले लिया, समीकरण नंबर कितना ले लिया, एक ले लिया। अब आपको क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ से संपूर्ण, गॉसियन पृष्ठ से संपूर्ण गुजरने वाला वैद्युत फ्लैक्स, वैद्युत फ्लैक्स फाई ई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो से मुझे तुलना करनी है, समीकरण एक व दो से तुलना करने पर, देखिए ये आपको पहले से पता है जब भी हम तुलना करते हैं तो फाई ई से फाई ई कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब आपको क्या करना, निकालना ई बराबर है तो ई बराबर ये अपॉन में पहुंच जाएंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 पाई आर एल। देखिए एल से एल हम काट देंगे, मेरे पास बचेगा E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, 2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू लैम्डा अपॉन आर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन जीरो है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का तो मान पता है, आपको इसका नहीं पता तो क्या करना, 2 का ऊपर और नीचे गुणा कर, तो E बराबर हमारा बन के तैयार हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, यानी ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकल के तैयार हो गई। ये हमें इसका डेरिवेशन करना था, मात्रा किसका होता है न्यूटन प्रति कूलम।
देखिए दूसरा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या है, यदि कोई आवेश क्यू किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू हमारा आवेश है, ए हमारा क्षेत्रफल एरिया है। अच्छा अब देखिए यहां पर यानी ये तुम्हारा गॉसियन बेलन रहा, ये वेक्टर ये ई वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता है, ये वेक्टर क्षेत्रफल डीए है, ये हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल है, और ए से लगा के पी तक की जो दूरी है वो हमारी आर है। तो देखिए माना वेक्टर क्षेत्रफल आपका डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर तथा दूरी आर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। यहां पर आवेश आपका क्यू है तथा क्षेत्रफल ए है। तो आपको क्या करना है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको पहले से ज्ञात है वैद्युत फ्लक्स आई बराबर इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये हम कहां से लेके चले हैं, कल आपको सूत्र बताया था गॉस की, जब प्रमेय हमने समझाई थी आपको, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय एक ही चीज है, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। तो हमें क्या करना है, फाई ई बराबर निकालेंगे तो यानी पृष्ठ हमारे यहाँ पर दो है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स यानी हमारी डबल हो जाएंगे। फाई ई बराबर हमारा है इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डबल कहाँ, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर पृष्ठ आपके लगे हुए दो लगे हुए हैं, तो दोनों का सूत्र एक ही होगा। या ऐसे करें फाई ई बराबर समीकरण एक और दो फिर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, यानी चीज वही रहेगी। तो अगर इनको मिला के लिखें, आपको ये भी पता है E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर सूत्र बन जाता है ई ए, क्या बन जाता है ई ए। तो E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर आपका बनेगा ई डी ए। तो अब यहां पर हमें मान रखने हैं तो आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए ई डी ए प्लस ई डी ए यानी जब हमने ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर रखा तो क्या बन जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए, आपका ई बन के तैयार होगा। अब आपको क्या करना है, यानी इंटीग्रेशन ए हमारा रहेगा और यहाँ पर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर की जगह पे हमें लिखना है ई डी ए प्लस ई डी ए, तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए बराबर टू डी टू ई डी ए।
EDA की जब इंटीग्रेशन EDA प्लस इंटीग्रेशन EDA, तो इन्हें दोनों को जोड़ेंगे टू EDA बनेगा। तो क्या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी अब मुझे निकालना है दोनों पृष्ठ पे संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ फाइव ई बराबर हमारा आ गया टू ई डी ए, फाइव ई बराबर आ गया टू ई डी ए, यानी संपूर्ण पृष्ठ जो दोनों पृष्ठों पर जितना लगा हुआ है वो हमारा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आया फाइव ई बराबर टू ई डी ए। और इसको समीकरण नंबर एक ले लेंगे, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय से, इसमें आपको हमने सूत्र लगाया था गॉस की प्रमेय से फाइव ई बराबर हमारा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाइव ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी जो हमारा आवेश होता है वो वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्यू इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो करेंगे, क्यू का गुणा एकम करेंगे, क्यू रहेगा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, ये आपको गॉस की प्रमेय में हम बता चुके। तो ये सूत्र आपका बन के तैयार हो गया। अब यहां पर बनेगा फाइव ई बराबर क्यू की जगह रखना है मुझे, क्योंकि हम यहां पर ले चुके हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, अगर हम इसके अपॉन में एक ले लें तो क्यू बराबर हमारा बन जाएगा सिग्मा ए। तो यहां पर हम मान रखेंगे क्या, क्यू की जगह पर रखेंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको समीकरण नंबर ले लो दो। इसको समीकरण जब दो ले लेंगे तो समीकरण एक और दो से तुलना करने पर, समीकरण एक व दो से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे ई डी ए जो है ई ए होता है, तो बराबर हो जाएगा टू ई ए। तो यहां पर बनेगा संपूर्ण, जब हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे टू ई ए, जब समीकरण एक और दो से हम तुलना करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा टू ई ए बराबर क्या है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए ई बराबर मुझे निकालना है, तो ई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ए, ए से एक कट गया, ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, मात्रक किसका होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर टैकल कर लो। देखिए विद्युत फ्लक्स फाइव ई बराबर होता है सिग्मा ए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये दो क्यों लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पृष्ठ जो है दो हैं, एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ ये, दोनों को ऐड करेंगे तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर और ई डी ए होता है फाइव ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए। अब EDA बराबर हमारा होता है EA, तो EA प्लस EA दोनों को ऐड करेंगे 2EA बनेगा जाके। अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स IE बराबर जो निकल के आया वो हमारा है 2EA, समीकरण नंबर एक हो गया। अब देखिए गॉस की प्रमेय से आपको सूत्र हमने कल बताया था फाइव ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, और अभी हमने आपको यानी जो डेफिनेशन लिखाई आप इसका पृष्ठ घनत्व, वो सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, इसके अपॉन में एक ले लेंगे क्यू बराबर निकालेंगे तो सिग्मा ए बनेगा जाके। तो मैंने क्या किया, क्यू की जगह सिग्मा ए रख दिया और अपॉन एप्सिलॉन जीरो, समीकरण नंबर दो हो गया।
समीकरण एक व दो से तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर लिखेंगे सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ए ए से ये कट जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो न्यूटन का प्रोग्राम, ये आपका है। Mm-hmm.